हेल्प करता है क्योंकि हमेशा जब आप एक टीम गेम खेलते हो आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है और वो किसी भी प्लेयर से आ सकता है। आई थिंक जैसे ही वो मैंने कैच लिया उसके बाद टीम के अंदर एक एनर्जी क्रिएट हुआ एंड देन हरलीन ऑल्सो टुक अ ब्रिलियंट कैच। तो आई थिंक वो एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और हमारी थ्रू आउट द गेम हमारी जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो काफी अच्छी थी, हमने काफी सारे रन सेव करे और उसके बाद ब्रिलियंट कैचेस भी लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन कि हम एज ए टीम फील्डिंग में काफी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। आशिका हमारी टीम की मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने हमेशा जब भी टीम को जरूरत रहा है उसने अच्छा बॉलिंग करा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि अभी वो अपना बॉलिंग एंजॉय भी कर रही है जिस हिसाब से उसको बॉलिंग डालना चाहिए, शी इज नॉट ओवर थिंकिंग एंड ऑल। तो वो एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। रही बात स्पिन की, यू नो समटाइम्स जब आप फ्लैट ट्रैक पे खेलते हो तो आपको एक ओवर में बस एक या दो बॉल ऐसा होता है कि जिसपे आपके रन यू नो बाउंड्रीज चली जाती है, आपको उसको कट डाउन करना रहता है और वही हमारा एज ए यूनिट रहेगा कि हम लोग फील्डिंग में बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं और जस्ट एक जो एक और दो बॉल की बात है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करके बॉल डालना है तो एज ए टीम हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सी पूनम हमारे लिए एक विकेट टेकिंग बॉलर है और फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बैक करे, बिकॉज इफ अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को बैक नहीं करती और इफ जैसे बाकी के बॉलर्स बॉल कर रहे हैं और उनको वहां पर एडवांटेज मिल रहा है अगर वो भी वो चीज ट्राई करती है वो उसके लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। तो यू नो फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर रहे, उसका स्ट्रेंथ है बॉल को लूप करना एयर में, यू नो बॉल को होल्ड करना एंड देन लुक फॉर टर्न एंड अगर वो वहां पर फास्टर वन ट्राई करती है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती है तो इतना एडवांटेज नहीं मिलता हमें। तो जो आप कह रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे उसने दो तीन बॉल फास्ट ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, शी वाज ट्राइंग टू बीट देम विद द पेस विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसका जो बॉलिंग उसका जो स्ट्रेंथ है वो है एयर में बॉल को टर्न करवाना और उसी चीज पर ही यू नो वी वॉन्ट हर टू स्टे क्योंकि वो उसको फेस करना इतना ईजी नहीं है। जैसे आपने बोला बाकी की टीमें उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस भी करती है तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस कि यू नो हमारे जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं उनके जो गेम प्लान है बाकी की टीमें उनके ऊपर वर्क कर रही है। तो आई थिंक अगेन मतलब मेरा उसके लिए ये एडवाइस रहता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर रहें क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही आपको यू नो आज इस जगह पर लेकर आई है।